हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय ट्रिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट नेम पर कैसे भेजें और किस तरीके से भेजें जिसमें हमारा अकाउंट है वो सबमिट हो जाए और हमारा अकाउंट अपडेट नेम पे चला जाए। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ये जो रेड वाला बटन आप देख रहे हैं, आप इसी पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। दोस्तों, ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई सा भी एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं एपी लाइट सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली आपको आईडी लॉगिन कर लेना है और ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, टॉप कॉर्नर पे थ्री लाइन दिख रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना होम में दिखा देता हूँ कि मेरा जो आईडी का नेम है वो क्या है। तो दोस्तों, आप ये मेरी आईडी का देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आईडी है और ये अभी अपडेट नेम पे नहीं गया है। ओके, इससे पहले आपको करना क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके आपको आ जाना है। जैसे कि आप अगर यूनिक नेम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, देखो तो यूनिक नेम आईडी बनाने के लिए अपडेट आप लोग भेजते हो, तो सबसे पहले आपको अबाउट में आने के बाद यहाँ पे जो आपका अदर नेम है कोई सा भी एक यहाँ पे डाल देना। तो चलिए यहाँ पे फटाफट एक नेम डाल देते हैं, जैसे कि हम अपडेट नेम पे करने वाले हैं, उसी स्क्रीन शॉट का काम आएगा। जब अगर आप आईडी क्रिएट करेंगे, मतलब इमोजी आईडी या यूनिक आईडी, बबल आईडी कुछ भी क्रिएट करेंगे तो उसी में काम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे डाल दिया हूँ। ओके, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें करना क्या है, एक स्क्रीन शॉट यहाँ का ले लेना है। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया है। उसके बाद दोस्तों, आपको आना है बैक आ जाने के बाद आ जाना है अपने सेटिंग में, यानी कि अपने फेसबुक अकाउंट के सेटिंग पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट आपको नेम पे क्लिक कर देना है। नेम पे क्लिक करने के बाद जैसे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो नेम अवेलेबल है। जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको लर्न मोर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं फटाफट लर्न मोर पे क्लिक। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। जस्ट आपको करना क्या है, फाइंड आउट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फिल आउट दिस फॉर्म का ऑप्शन एक दिख जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, वो ध्यान से देखना है, ठीक है। जस्ट आपको फर्स्ट पे स्मॉल लेटर पे नाम डालना है, उसके बाद जितना मतलब फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो स्मॉल पे रहेगा और अदरवाइज सारा कैपिटल पे रहेंगे। जैसे कि हमने अतुल का ए कर दिया, बाकी सब कैपिटल पे कर दिया। तो इसके बाद आपको इस तरीके से आपको नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे आ जाना है, यानी कि आपका जो चूज़ या दिया है, रीज़न जो दिया है उस पर आपको करके स्पेलिंग मिस्टेक पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ क्या करना है आपको, दोस्तों वो भी ध्यान से देखना है। आपको नीचे की तरफ दे रहा है ईमेल एंटर करने का ऑप्शन दे रहा है। जस्ट आपको अपना एक कोई सा भी ईमेल डाल देना है, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, तो आप भी अपना डाल देना। ईमेल डालना क्या होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा, यानी कि जैसे कि आपका अकाउंट अपडेट नेम पर चला जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि फेसबुक टीम की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो अपडेट नेम पर चला गया है। तो जस्ट इसलिए हम लोग यहाँ पे ईमेल डालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं फटाफट सबमिट, देखते हैं कि हमारा ये सबमिट होता है या नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया है, फिर भी एक बार देखते हैं कि होता क्या है या क्या नहीं होता है, वो मैं आपको दिखा के क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, हमने सबमिट किया तो हमारा इस तरीके से इंटरफेस आ गया। जस्ट मैं स्क्रीनशॉट अटैच करके अगेन सबमिट कर दिया तो हमारे यहाँ से एरर आ गया, बट हमारा सबमिट हो चुका है। तो कुछ टाइम के लिए वेट कर लेते हैं, जब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। सो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट था वो अपडेट टीम पर चला गया है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप नेम देख सकते हो, यानी कि मैंने अतुल तिवारी नेम से अपडेट टीम पे भेजा है। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड भी एंटर कर लिया है। सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा अकाउंट अपडेट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कंफर्म योर आइडेंटिटी करके एक ऑप्शन आ गया है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, हमें ओके करके एक बार चेकआउट कर लेना है कि हमारा फेसबुक अकाउंट जो था वो अपडेट हुआ है या नहीं। तो उससे एक चीज़ और है, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप फेसबुक लाइट से नहीं, आप कोई से एक ब्राउजर सेलेक्ट करके वहाँ से अगर अपडेट नेम पे करेंगे तो आपका जस्ट वहाँ पे अपडेट चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो अकाउंट है वो अपडेट नेम पे चला गया है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके हमें जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए गाइस, यहाँ से वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।